कपास की कीमतों में कल बाजारों में तेजी देखने को मिली, क्योंकि 4 महीने की लगातार बारिश और कीटों के हमले के परिणाम स्वरूप तेलंगाना में कपास उत्पादन गिरने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही कपास की क्वालिटी पर भी असर होने की संभावना है। कपास किसानों ने चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य 12,000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग करते हुए कहा है कि उत्पादन लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है, जबकि पैदावार में गिरावट आई है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को शुरू हुए 2022-23 सीजन में भारत में 34.4 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन होने की संभावना है, जो कि किसानों द्वारा फसल क्षेत्र का विस्तार करने के बाद एक साल पहले की तुलना में 12% अधिक है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त मौसम के लिए भारत का कपास उत्पादन गिरकर 307.5 लाख गांठ हो गया है, जो कि 2007-08 के बाद से सबसे कम है, जब उत्पादन 307 लाख गांठ हुआ करता था। यूएसडीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान, मेक्सिको, तुर्की और वियतनाम द्वारा आयात में गिरावट के साथ विश्व व्यापार सितंबर से लगभग 10 लाख गांठ कम होने का अनुमान है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, कोटेडिवोआइवर, ग्रीस और मैक्सिको के निर्यात अनुमानों में कटौती करते हुए अपने अमेरिकी निर्यात पूर्वानुमान को 1 लाख गांठ से घटाकर 12.5 मिलियन गांठ कर दिया गया है। यूएसडी ने कहा है कि इस महीने 2022-23 की विश्व बैलेंस शीट में खपत 30 लाख गांठ कम है और अंतिम स्टॉक 31 लाख गांठ ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि हाजिर बाजारों में फिलहाल कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और कल के कारोबारी सत्र में 400 रुपए की तेजी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।